ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया। भाई देखो ये बड़ा मुश्किल काम है, और ज्यादातर आजकल जो प्यार के लफड़े हो रहे हैं बेसिकली वो सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं, है ना। ये यहाँ से आजकल तो वो, क्योंकि फिजिकल गुलदस्ते देना, फूल देना तो खत्म हो गया, व्हाट्सएप पे चल रहा है। तो ये प्लीज आप इसको अवॉइड करो हाल फिलहाल। सोशल मीडिया का मतलब क्या है, देखो व्हाट्सएप तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहां पर अच्छी नॉलेजेबल जानकारी मिलती है, टेलीग्राम नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी जो फालतू के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको अवॉइड करो, जस्ट डिलीट देम ना यार, क्या करोगे उसका, हो गया जो होना था, डिलीट करो। कई लोगों ने तो स्पेशली कुछ ऐप्स ऐसे डाउनलोड कर रखे हैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, सिर्फ गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, होता है, जानते हो इंस्टाग्राम का यूज होता है और भी दो तीन ऐप्स हैं जिनका यूज होता है, तो प्लीज अवॉइड करो, कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ, दैट मे हेल्प यू, ठीक है। यही डिस्ट्रैक्शन का रियल कारण है सोशल मीडिया हैंडल्स, जिसमें अट्रैक्शन फोटो देख के आ जाता है, बाद में पता लगता है इतने फिल्टर लगा रखे थे तो तब ऐसा दिख रही थी, ठीक है। तो और लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। सो लॉकडाउन में कुछ इसलिए ज्यादा हो रहा है कि बाहर तो निकल नहीं पा रहे, लॉकडाउन बिगिन से कि अभी लॉकडाउन लगा तो नहीं है, लेकिन कोरोना जिस हिसाब से फैला है उस हिसाब से आजकल तो वैसे हम लोग घर पे रह रहे ज्यादातर टाइम, तो इस ड्यूरेशन में तो काम इतना फैल गया है कि क्या बताएं। मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है, चैटें चल रही, चैट भी नहीं चल रही, चैटें चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, बस लगे रहो पूरे दिन, तो कोई काम तो है नहीं, और कोई स्कूल जाना नहीं है,